गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। अवर टूडेज टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। लास्ट टाइम हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस किया था। आज हम उनके मैकेनिज्म या प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे, कैसे काम करता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आज हम स्टडी करेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि जो हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस होता है उसमें हम क्या करते हैं, फ्रेश एयर को लेते हैं और फॉल एयर जो हमारी होती है यानी कि वेस्ट जो एयर होती है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसे बाहर निकाल देते हैं, हम बॉडी से एलिमिनेट कर देते हैं। जब ये प्रोसेस हम कर रहे होते हैं उस टाइम पे अल्टरनेट होता है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का डिफरेंट इनवॉलंटरी मसल्स में। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो हमारी ब्रीदिंग है ये कंट्रोल बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का जो रेस्पिरेटरी सेंटर है उसके थ्रू ये कंट्रोल की जाती है। इसमें क्या होता है, हमारा जो थॉरेक्स है वो उसका एक्सपेंशन होता है, फ्रेश एयर अंदर ली जाती है, मसल्स जो है थॉरेक्स की बाद में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और जो फॉल एयर होती है उसे एक्सपेल आउट करती है यानी कि बाहर निकालती है। मेन इसमें दो स्टेप्स होते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन को हम इंस्पिरेशन भी कह सकते हैं। इसमें जो फ्रेश एयर है वो एनवायरनमेंट से एक्सटर्नल नोस्ट्रिल की हेल्प से अंदर ली जाती है, नेजल कैविटी में पास की जाती है रेस्पिरेटरी मसल्स की हेल्प से। रेस्पिरेटरी मसल्स कौन सी है इसमें, फ्रेनिक मसल्स या एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। फ्रेनिक मसल्स जो होती हैं ये डायफ्राम को स्ट्रेटन कर देती हैं और उसे डाउनवर्ड मूव करवाती है, नीचे की तरफ मूव करवाती है। इससे हमारा जो थॉरेक्स है इसका साइज बढ़ जाता है। कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो एक्सटर्नल जो हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं उनका होता है। इसकी वजह से रिब केस जो है वो भी बाहर की तरफ पुश आउट कर दिया जाता है, अपवर्ड डायरेक्शन होती है। इससे ग्रिथ भी बढ़ जाती है हमारे थॉरेक्स की। फ्रेनिक मसल्स और इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं इन दोनों ने क्या किया, फ्रेनिक मसल्स ने तो हमारे डायफ्राम को नीचे की तरफ धकेल दिया और इंटरकोस्टल मसल्स ने रिब को बाहर की तरफ धकेल दिया। इससे हमारा थॉरेक्स रीजन जो है वो बढ़ जाता है, एयर टाइट हो जाता है और एक्सपेंड करता है किसको, लंग्स को। उसके बाद क्या कह रहा है कि इसकी वजह से हमारा जो एयर प्रेशर होता है लंग्स में वो डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज होने के बाद एयर रश ज़्यादा हो जाता है तो हमारे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल जो नेजल कैविटी है, इंटरनल नोस्ट्रिल है, फायरिंग्स है, लायरिंग्स है, ट्रेंकिया, ब्रोंक्यूल्स, इन सब की हेल्प से हमारा जो इनहेलेशन है वो परफॉर्म किया जाता है और एक्सहेलेशन भी इन्हीं की हेल्प से परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहला जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें इनकमिंग जो एयर है उसका क्या क्या फंक्शन है, सबसे पहले फिल्टर किया जाता है एयर को जो नेजल कैविटी में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। उसके बाद डस्ट को क्लीन किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लीन किया जाता है लाइसोजाइम, म्यूकस और सीलिया की हेल्प से। उसके बाद जो एयर हमने अंदर ली है उसको एयर को कंडीशन किया जाता है यानी कि उसका जो टेम्परेचर है वो कम किया जाता है विद दी हेल्प ऑफ ब्लड कैपिलरीज। उसके बाद वेट एपिथीलियम की हेल्प से उसे एयर को मॉइस्टन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है ये हमारा है एक्सेलेशन। एक्सेलेशन में क्या कह रहे हैं कि एक्सेलेशन में हमारा जो एक्सपल्शन हुआ था, एक्सपल्शन होता है फॉल और एयर का, बाहर निकाली जाती है फॉल एयर। इसमें पहले हमने इंस्पिरेशन किया था, अंदर लिया था, अब क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। इसे हम एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं या एक्सेलेशन भी कह सकते हैं। पैसिव प्रोसेस होता है ये रिलैक्सेशन ऑफ इंस्पिरेटरी मसल्स यानी कि पहले हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट की तो थोरेक्स का जो रीजन है वो बढ़ गया। अब मसल्स ने रिलैक्स किया तो उसके बाद क्या हुआ, फ्रेनिक मसल्स रिलैक्स करी तो डायफ्राम जो है वो फिर से डोम शेप का हो गया, बल्ज हो गया थोरेक्स के अंदर। उसके बाद हमारी जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं उन्होंने भी रिलैक्स किया तो रिब केस जो है वो भी अंदर की तरफ मूव कर गया, इससे थोरेसिक कैविटी का साइज कम हो गया, ग्रिथ जो है वो भी कम हो गई और हमारी जो फॉल एयर है वो सबसे पहले कहाँ गई, एल्वियोलाइज में, एल्वियोलाइज से ब्रोंकियोल्स, फिर ब्रोंकाई, ट्रैकिया, लारेंक्स, फायरेंक्स, इंटरनल नोस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी और उसके बाद एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। तो ये हमारा
प्रोसेस था इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन।